देखा जाए अब हम लोग सोलर सिस्टम कर रहे थे, सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम में देखा जाए हम लोग मरकरी और सन के बारे में स्टडी कर लिया। अब हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी कॉन्सेप्ट वाले में वीनस को देखते हैं। और वीनस देखा जाए बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्या है, क्वेश्चन है। और सबसे ज़्यादा ये क्योंकि अर्थ के साइज के सिमिलर होता है, इसलिए इसको ट्विन्स ऑफ द प्लेनेट बोला जाता है, मतलब अर्थ की बहन। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो यही है। और कह सकते हैं इवनिंग मॉर्निंग स्टार भी बोला जाता है, और ब्राइटेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम भी बोला जाता है, और हॉटेस्ट प्लेनेट भी बोला जाता है। हॉटेस्ट क्यों है ये सब हम आगे यहाँ पे स्टडी करेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे चलते हैं। जैसा हम लोग यहाँ पे डेटा रखे हैं, ठीक है, कुछ डेटा यहाँ पे, जैसे इट इज़ नोन एज ट्विन सिस्टर, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है कौन सा प्लेनेट ट्विन सिस्टर है ऑफ द अर्थ का। तो यहाँ पे प्लेनेट ऑफ अर्थ का यानी कि ट्विन सिस्टर। वैसे भी देखा जाए वीनस को हम लोग वोमन लाइक बोलते हैं, तो वोमन यानी कि एक प्लेनेट हमारे पास वीनस वोमन हो गया, दूसरा अर्थ को भी हम लोग मदर बोलते हैं, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है, वीनस भी मदर और अर्थ भी मदर, यानी कि वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट इन सोलर सिस्टम। तो दूसरा क्वेश्चन है कि यहाँ पे ब्राइटेस्ट प्लेनेट कौन है, तो ब्राइटेस्ट प्लेनेट भी हमारे पास कौन है, वीनस इज द ब्राइटेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, इट इज आल्सो नोन है, तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, इट इज आल्सो नोन है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार बोला जाता है इसे। द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड वीनस अप्रॉक्स देखा जाए 108 मिलियन किलोमीटर है, 108 मिलियन किलोमीटर क्या है इसका डिस्टेंस। इट इज़ द सेकंड क्लोजेस्ट प्लेनेट टू आवर सन, यानी कि मरकरी के बाद। इट इज टेक वीनस यानी कि कितना दिन लगता है रिवोल्यूशन, 225 दिन डे कंप्लीट करता है वन रिवोल्यूशन के लिए। इट इज़ द हॉटेस्ट प्लेनेट, अब देखा जाए मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके बाद, एक तो हमारे पास देखा जाए ट्विन्स हो गया, ठीक है, दूसरा ब्राइटेस्ट, तीसरा यहाँ पे क्वेश्चन आ गया आपका इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार हो गया, ठीक है, चौथा यहाँ पे आ गया हॉटेस्ट हो गया, सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट पूछा जाता है हॉटेस्ट। तो ये देखा जाए आपको किसके बारे में हम बोल रहे हैं, ये आपको वीनस के बारे में बोल रहा है। तो यहाँ पे आ गया हॉटेस्ट प्लेनेट इन सोलर सिस्टम विथ एवरेज टेम्परेचर 464 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, हॉटेस्ट प्लेनेट ये एवरेज टेम्परेचर, ठीक है। अब द टेम्परेचर ऑफ द अदर प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज, तो हम लोग देखे थे एवरेज टेम्परेचर यहाँ पे दिया है। वैसे तो मरकरी दिन में बहुत हॉट होता है, 600 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, लेकिन रात में क्या है -137 डिग्री सेल्सियस, तो एवरेज टेम्परेचर यहाँ पे दिया हुआ। तो इसका देखा जाए मरकरी जो एवरेज टेम्परेचर है 167 है, तो इसमें सबसे हॉटेस्ट को हम लोग यहाँ पे अंडरलाइन कर दे रहे हैं, सबसे हॉटेस्ट कौन है, वीनस हो गया, सबसे हॉट हो गया, हॉट प्लेनेट एवरेज। उसके बाद देखा जाए सबसे कम टेम्परेचर, तो सबसे दूर जो होगा यानी कि नेपच्यून, सबसे कोलेस्ट यानी कि कोलेस्ट टेम्परेचर हो गया। कोलेस्ट टेम्परेचर हो गया सबसे लोएस्ट, ठीक। तो यहाँ पे देखा जाए थोड़ा सा फिगर हमने दिया है, जैसे वीनस का जो फिगर है इसी तरह का है वीनस, और वीनस देखा नंबर ऑफ मून यानी कि सैटेलाइट 0 है, और डिस्टेंस फ्रॉम द सन 108 यानी कि 108 मिलियन किलोमीटर है। लेंथ ऑफ द ईयर जो होता है 225 मतलब अर्थ डे बोलते हैं इसको। अब इसमें देखो वोल्केनोज भी हैं, जैसे वीनस इज कवर इन वोल्केनोज, देयर एविडेंस दैट सम में स्टिल इरेप्टिंग, कहीं पे इरेप्शन ये वोल्केनोज का दिखा। बैरन सरफेस भी है, बैरन सरफेस यानी देयर आर नो रिवर, यहाँ पे पूरा रिवर लेक ऑन द सरफेस ऑफ बैरन कोई नहीं है। द ओनली रेन इज गेट एसिड, एसिडिक रेन ही होता है यहाँ पे, दैट वुड बर्न थ्रू योर स्किन, मतलब कह सकते हैं स्किन को बर्न कर सकते हैं। टॉक्सिक क्लाउड यहाँ पे निकलते हैं,
वीनस इज कवर्ड इन क्लाउड यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड, द एटमॉस्फियर इज सो थिक इट वुड क्रश यू इन सेकंड में ही क्रश कर सकते हैं। तो ये सारा से अर्थ इवल ट्विन बोला जाता है। अर्थ एंड वीनस अबाउट द सम सेम साइज आर मेड अप द सिमिलर रॉकी मटेरियल बट दैट्स वेयर द सिमिलरिटी एंड, यहीं पे क्या होता है एक तरह से सिमिलरिटी एंड हो जाता है। वीनस इज डेडली वर्ड है, वीनस में कोई भी जीव जंतु नहीं है, डेडली है, ठीक है, डेडली है ना, कोई भी लाइफ नहीं है, डेडली है। इट बॉइलिंग हॉट कवर्ड इन बैल्कनो एंड क्लॉक्ड इन एन एटमॉस्फियर डेडली एंड पॉइजनस गैस है, ठीक है। अब देखा जाए इसमें पॉइंट पे आते हैं, एवरी प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम एक्सेप्ट फॉर वीनस एंड यूरेनस, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब कि एवरी प्लैनेट जो है वीनस और यूरेनस के अलावा रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, मतलब कि इस तरह से वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ जाते हैं सारे ऐसे, ये रोटेशन क्या है एंटी क्लॉकवाइज ACW है। लेकिन अगर वीनस और यूरेनस के बारे में देखा जाए तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो भाई क्लॉकवाइज हो गया, वेस्ट टू ईस्ट, हाँ ठीक है। मतलब कि जो एंटी क्लॉकवाइज यूरेनस एंटी क्लॉकवाइज ये हो गया ईस्ट वेस्ट, ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा क्लॉकवाइज, ठीक। तो सम एविडेंस ऑफ एटमॉस्फेयर इज फाउंड द प्लैनेट वीनस 90% ऑफ द एटमॉस्फेयर, वीनस इज लिमिटेड विथ 9 किलोमीटर ऑफ द एल्टीट्यूड 90%। द एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस मेनली कंप्राइजेज बाय कार्बन डाइऑक्साइड होता है यहाँ पे, इसीलिए सबसे हॉट होता है विथ, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है यानी कि विथ टेम्परेचर इंक्रीज अबव 400 डिग्री सेल्सियस, दैट इज वाई द प्लैनेट एक्सपीरियंस प्रेशर कुकर लाइक कंडीशन, इसलिए प्रेशर कुकर लाइक कंडीशन यहाँ पे डेवलप हो जाता है। हेंस बिकॉज ऑफ द एबव कंडीशन सस्टेंस ऑफ द लाइफ फ्रॉम बिकम नेक्स्ट टू पॉसिबल ऑन द प्लैनेट, ऐसा भी यहाँ पे अगर होता है तो हो सकता। जस्ट लाइक मरकरी वीनस हैज नो सैटेलाइट यानी कि कोई भी मून नहीं है। इन द ईयर 1989 मैगलन 1989, ठीक है, मैगलन सरफेस क्राफ्ट वॉज सेंट टू वीनस ऑन यहाँ पे रोड मैपिंग मिशन फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर, दैट इज फ्रॉम 1990 से लेकर 94 तक। इट ऑब्जर्व द प्लैनेट वीनस, इट इज इट्स फीचर, द सैटेलाइट वॉज नेम्ड एज फेर्डिनांड मैगलन, फेमस पुर्तगीज एक्सप्लोरर ऑफ द 16th century बोला जाता है। अब देखा जाए वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम बोला जाता है। अब देखा एटमॉस्फेयर जो अर्थ एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट फ्रॉम डेंजरस स्पेस रेडिएशन एंड कॉन्टेंट के गैस लाइक ऑक्सीजन वी हैव नीड ब्रीथ लाइफ अर्थ अबव टू अमेजिंग वेराइटी या प्लेनेट वगैरह वाटर एक टेम्परेचर ये अर्थ में है लेकिन वहाँ पे नहीं। तो इसका हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आगे चलते हैं। जैसे हम लोग पढ़े द हॉटेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, तो अगर हॉटेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम पूछा जाए तो वीनस इज द हॉटेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, क्योंकि इसका टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर 464 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि मरकरी का 167 डिग्री सेल्सियस होता है। मार्स का जो है, मार्स देखा जाए बेचारे ठंडे हैं, डिग्री सेल्सियस -63 डिग्री सेल्सियस। अर्थ का आप जानते हैं एवरेज जो टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड होता है अर्थ पे, ठीक है। विच प्लैनेट इज नोन एज इवनिंग स्टार
तो इवनिंग मॉर्निंग स्टार देखा जाए वीनस को ही बोला जाता है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मॉर्निंग स्टार, तो इवनिंग मॉर्निंग एक ही को बोला जाता है, वीनस हो गया। अब देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ रीजनिंग असर्शन का क्वेश्चन, एग्जिस्टेंस ऑफ द ह्यूमन लाइफ ऑन वीनस इज हाईली इम्प्रोबेबल। ठीक है, इम्प्रोबेबल, ठीक, यानी कि एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन वीनस इम्प्रोबेबल, क्यों? वीनस इज एक्सट्रीमली हाई लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है इन इट एटमोसफियर। ये रीजनिंग और असर्शन दोनों सही है, यही हमारे पास हो जाएगा, पहला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, प्लैनेट विच कॉल्ड ट्विन सिस्टर, प्लैनेट जिसे हम लोग ट्विन सिस्टर बोलते हैं वो क्या है? वीनस है। वीनस इज द ट्विन सिस्टर, और क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये बेसिकली क्या है, इसका साइज सिमिलर टू अर्थ का है, इसीलिए बोला जाता है। और कुछ ज़्यादा सिमिलरिटी नहीं मिलता, कुछ मटेरियल में भी मिल जाता है लेकिन और कुछ नहीं मिलता। स्पेस क्राफ्ट यानी कि मैगलन, मैगलन वाज सेंट टू, तो वीनस में सेंट किया गया था और 1989 में। ठीक है, यानी कि पुर्तगीज एक्सप्लोरर 16th century जिसे फ्रेडरिक मैगलन बोला जाता है, ये सेंट के। तो इसमें क्वेश्चन देखा जाए एकदम फिक्स है, जैसे इवनिंग मॉर्निंग पूछ लिया, ब्राइटेस्ट पूछ लिया, हॉटेस्ट पूछ लिया, किसका ट्वेंस है ये पूछ लिया, तो ये सारा पूछ लिया। ठीक है, तो नेक्स्ट देखा जाए, इसमें हम लोग अर्थ करेंगे। थैंक यू।